हमारे जो टोटल 5 बेडेड जो कोविड केयर सेंटर्स हमको पंचायत लेवल पर इस्टेब्लिश करने हैं, हमारी टोटल पंचायत 143 हैं। कल तक हमारे इसमें से 124 जो हैं वो हमने सेटअप किए हुए हैं, उनको हमने टेली मेडिसिन फैसिलिटी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, टॉयलेट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वी आर अवेटिंग आर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सप्लाईज फ्रॉम G&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन। फिलहाल जो हमारे पास अपने 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स थे वो हमने इन 35 सेंटर्स पे जो है वो लगाए हुए हैं। एक और चीज़ जो हमने की है कि हमारे जितने भी एक्टिवेटेड कोविड केयर सेंटर्स है पंचायत लेवल पे, वहाँ पर रैट की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो भी हमने प्रोवाइड की है। कल इसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग भी ली जिसमें डायरेक्शंस इशू हुई है कि वी हैव नाउ टू एक्चुअली स्टार्ट एडमिटिंग पेशेंट्स इन दीज कोविड केयर सेंटर्स, स्पेशली फ्रॉम दोज हाउसेज इन द पंचायत जिनके पास एडिशनल वॉशरूम की या बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमारी सप्लाईज के लिए आज हमने गाड़ियां भी रवाना की हैं और G&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से जो हमको इन सेंटर्स को फुली इक्विप करने के लिए सप्लाईज आएंगी वो भी आज शाम तक पहुंच जाएंगी। आपको पता है हमारी 143 पंचायत हैं, 5 बेडेड फैसिलिटी क्रिएट करने के बाद 715 एडिशनल बेड्स Level 3 के हमारे पास जो हैं वो आ जाएंगे और इससे ख़ास तौर से उन पेशेंट्स को जो थोड़े दूर दराज इलाके में रहते हैं उनको बड़ी सहूलियत होगी। अदरवाइज़ फॉर उनको हमारे जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स थे Level 3 में उनको वहाँ पर आना पड़ता था, लेकिन अब ये फैसिलिटी उनको पंचायत लेवल पर ही एस्टैब्लिश होकर मिलेगी। March 1 से लेके अब तक जब से ये सेकेंड कोविड सर्ज जो है उसका ग्राफ चढ़ा है तो अभी तक हमारे 2785 यानी 2785 कोविड पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 1855 रिकवर हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। 28 की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है। एक्टिव केसेस ऑन डेट हमारे 902 हैं। हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.12 की है, मोर्टैलिटी रेट 1.01% है और हमारी रिकवरी रेट जो है वो 66.61% है। हमें पूरी तरह उम्मीद है कि जो हमारे इस वक्त एक्टिव केसेस हैं वो भी बहुत जल्द फुली रिकवर हो जाएंगे। हमारे ट्रॉमा सेंटर में तकरीबन कोई 90 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं फ्रॉम March 1, एक्सेप्ट 5 मोर्टैलिटीज़ मतलब 5 डेथ्स को छोड़ के, और कोई हमारे 12 रेफरल्स हुए हैं टू द टेरिशरी केयर हॉस्पिटल्स। बाकी सारे पेशेंट्स जो हैं वो फुली रिकवर होकर अपने अपने घरों को चले गए। इसके अलावा हमारी टेस्टिंग भी चल रही है, ऑन एन एवरेज हम तकरीबन 1200 टेस्ट कर रहे हैं और हमेशा हर दिन हम अपना जो RT-PCR का टारगेट है उसको एक्सीड कर रहे हैं। और इस एग्रेसिव टेस्टिंग जो अब हमने रूरल एरियाज़ में बढ़ाई है बिकॉज रूरल स्प्रेड हुआ है, तो उसकी वजह से जो है हमें अनडिटेक्टेड केसेस के बारे में भी पता चल रहा है और ख़ास तौर से वो वाले रूरल एरियाज जहाँ पर ट्रैवलर कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम फोकस्ड एग्रेसिव टेस्टिंग में ला रहे हैं। वैक्सीनेशन में डिस्ट्रिक्ट रामबन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और अभी तक हमने तीनों कैटेगरीज को मिला के, यानी अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 45 ईयर्स अबव की जो कैटेगरी देखें तो उसमें हमारी टोटल जो वैक्सीनेशन है वो 82% हुई है। एज अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ 45 ईयर्स में हमारा जो परसेंटेज है वो 77 के आसपास जो है हमारी अचीवमेंट रही है। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर वैक्सीनेशन की जो डेली हमारी एवरेज होती है वो उसमें काफ़ी डिप आया है। इसका रीज़न ये है कि एक तो जो हमारे अब के लोग हैं ये हाईली रेजिस्टेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल ये लेने से इनकार कर रहे हैं ये, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम अपनी टीम्स को हमने लगाया और काफ़ी हद तक हमें इसमें कामयाबी मिली है। दिस रेजिस्टेंट कैटेगरी वी कन्फ्रंटेड अबाउट 10-15 डेज बैक, लेकिन हमने हाउस टू हाउस सर्चेस करके, मेडिकल टीम्स को, सीनियर डॉक्टर्स को लीड करके, उनको मोटिवेट करके काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल की है। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिनों से हमारी वैक्सीनेशन की रेट में डिप आई है और हम और हाउस टू हाउस सर्चेस को मोबिलाइज करके कोशिश करेंगे कि हम अपने रिमेनिंग टारगेट को भी अचीव करें। इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता था, वो ये है कि हमारा जो एज
अप्रोप्रिएट कैटेगरी 45 ईयर्स अबव वाली है, उसमें कोई 75,560 का हमको टारगेट मिला है, तो उसमें अभी भी हमारा जो शॉर्टफॉल है वो कि तकरीबन 18,000 का है। वी आर ऑब्टेनिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम आर डिफरेंट मेडिकल ब्लॉक्स, हमारे BMOs, एक ओखरल से हमारी रिपोर्ट आई है जहाँ पर हमारी जो ओवरऑल वैक्सीनेशन की परसेंटेज 65% की है, हम उन फिगर्स को टैली कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा जो फिगर, जो हमारा टारगेट है, उसको थोड़ा रिविजिट करने की ज़रूरत है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रामबन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उनको थोड़ा कल आउट करने की ज़रूरत है। पुलिस पर्सनल में कोई तकरीबन 1700 लोगों ने जो है वैक्सीनेशन लिया है अबव दिए जो 45, उसमें जो सिंस वो वाली कैटेगरी भी क्लैश कर रही है, तो उसमें हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रामबन में कितना बिलोंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल टारगेट्स में उनको भी हम डिलीट कर देंगे। वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिविजिटिंग आर टारगेट जो हमारा फिक्स हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें जब वो रिविजिटिंग होगी माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रामबन से काफ़ी लोग उधमपुर चनैनी साइड में रहते हैं, बहुत सारे लोग जम्मू में भी रहते हैं, बानिहाल के साइड के लोग जो हैं वो अनंतनाग और श्रीनगर में भी रहते हैं, तो उस पॉपुलेशन को कल आउट करके जब हमारा फिगर रिवाइज होगा तो हमारी परसेंटेज इम्प्रूव होगी। टिल दैट हैपन्स दी हेल्थ डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू विद देयर एग्रेसिव वैक्सीनेशन ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। जैसा कि आपको पता है अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में और यूटी में कोरोना कर्फ्यू की रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं और ये 31 मई तक जारी रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट रामबन में बैंकिंग सेक्टर, मैं पूरी तरह आपसे एग्री करता हूँ, इसमें मैनुअल ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं। हमने इस बैंक्स को खोलने के बारे में काफ़ी मीटिंग्स की और उसके बाद हमने यही डिसीजन लिया कि अभी बैंक्स की मैनुअल ट्रांजेक्शन्स खोलना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया और जम्मू का कंपैरिजन दिया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कैशलेस ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, जगह जगह गली नुक्कड़ वगैरह हर जगह ATM की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें हमारी जो बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है और मैनुअल ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है। रामबन इज़ दी ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ लॉकडाउन के पीरियड में कुछ दिनों में हमारे केसेस बढ़े हैं, रीज़न बीइंग कि हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की और ट्रैवलर्स की एग्रेसिव टेस्टिंग की है जिसकी वजह से ये बढ़े हैं। कुछ हमारे पेंडेंसी GMC डोडा में थी, वो बैकलॉग क्लियर करने की वजह से केसेस बढ़े हैं, बट ओवरऑल रामबन वॉज दी ओनली डिस्ट्रिक्ट वेयर दी नंबर ऑफ यू नो कोविड पॉजिटिव केसेज रोज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। सो कीपिंग दैट थिंग इन व्यू, वी कुड नॉट टेक ए डिसीजन कि हम मैनुअल ट्रांजेक्शन शुरू करें। द मोमेंट हम अपने बैंक्स को, बैंक्स आर स्टिल ओपन फॉर DBTs, दे आर स्टिल ओपन फॉर कैश लोडिंग, लेकिन जब आप मैनुअल ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे तो बैंक के बाहर अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं दे गो हेवायर और इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का अंदेशा रहता है। सो मेरी आवाम से, रामबन के डिस्ट्रिक्ट के लोगों से ये गुजारिश है कि आप थोड़ा और कोऑपरेट करें। हम इसमें एक रिव्यू डिसीजन लेके कोशिश करेंगे कि इन ए फेज वाइज मैनर हम मैनुअल ट्रांजेक्शन को भी शुरू करें ताकि लोगों की जो इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो। जो IEC एक्टिविटीज़ होती हैं और जो मोबिलाइजेशन ड्राइव्स होती हैं, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट्स हैं, वो तो रेगुलरली हुई हैं और उन IEC एक्टिविटीज़ और जो मीडिया पे जो हमने इसको ट्रैक्शन दी है उसकी वजह से हमें काफ़ी अचीवमेंट मिली है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डिस्ट्रिक्ट रामबन इज़ आई थिंक इन जम्मू डिवीज़न में वैक्सीनेशन में परसेंटेज के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है जो हमने वैक्सीनेशन 77% एज अप्रोप्रिएट कैटेगरी में की है। वी स्टैंड एट नंबर 3, वी हैव डन एडमिरेबली वेल, बट एज आई सेड नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहाँ पर अब हमें तीन कैटेगरीज को फैक्टर इन करना है। वन इज हाईली रेजिस्टेंट कैटेगरी, सेकेंड इज दोज पीपल हु आर हैविंग कोमॉर्बिडिटीज, दोज पीपल जो फॉर एग्जाम्पल हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में या फ्रंटलाइन वर्कर्स में लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो नहीं लगाते हैं, और वो वाली कैटेगरी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी एडवाइजरीज है कि वो ना लगाएं, कोमॉर्बिडिटीज़ जिनकी ज़्यादा होती हैं। तो हमारी मोटिवेशन
जारी है, और माइग्रेटरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको फैक्टर इन करके वंस आर टारगेट्स कट, वी होप दैट आर टारगेट्स आर स्लाइटली रिवाइज्ड, वी विल बी एबल टू अचीव 100% एज हैज बीन डन बाय सम ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट्स। इट इज़ अ डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट, हिली टेरेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने हेल्थ वर्कर्स को ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने से उन्होंने हाउस टू हाउस सर्चेस करके, चाहे वो गूल में हो, चाहे वो बानीहाल में हो, चाहे बटोत में हो, बटोत इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल ब्लॉक्स वी हैव, इसका आपका गांधरी बटनी ये सारा एरिया, इवन रामबन का कुछ हिस्से जो मैत्रा साइड का वो उनके अंडर आता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके मैक्सिमम लोगों को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया है। अब कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, हमने हमारे जो बूथ लेवल वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पोलिंग स्टेशन वाइज डिटेल्स निकाल के दी थी ऑफ दी पर्सन्स हु हैव बीन वैक्सीनेटेड हु आर अनवैक्सीनेटेड, हमने उनको इन ए फेज वाइज मैंने टारगेट किया है और काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट किया हुआ है। हमारा ट्विटर हैंडल बहुत एक्टिव है, उस पर भी हम जनरली लोगों को अपील करते हैं कि आप हमें बताएं कि किस पंचायत में, किस गांव में कहाँ टीम भेजनी है। हमने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जो है उनकी हेल्प भी इसमें मांगी है, उनकी पब्लिक रीच आउट भी मांगी है, ताकि हम उन कैटेगरी में जो है वो पेनिट्रेट कर सके जो अभी इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। रिसेंटली हमारी BMO बानीहाल ने आर्मी के साथ मिलके जबन एरिया में एक बहुत बड़ा कैंप लगाया, और जहाँ काफ़ी नोमैडिक पॉपुलेशन जो थी, जो बिल्कुल रेजिस्टेंट थी, उनको कन्विंस करके, मोटिवेट करके उनको हमने वैक्सीन के डोजेस दिए। इन द नेक्स्ट टू डेज हमें उम्मीद है कि हमारे काफ़ी लोग जो हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है तो वो सेकेंड डोज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और हमारी वैक्सीनेशन की रेट विल कम बैक टू व्हाट इट वॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अर्ली पार्ट ऑफ मे।